मनोज कुमार झा लोकसभा फ्रॉम लोकसभा प्लीज माइक माइक प्लीज जी शुक्रिया उपसभापति महोदय। हाँ, कभी कभी कोई नमस्ते आयोजन कितना भारी पड़ जाता है ये हमने हिंदुस्तान में देखा है बीते 3-4 महीनों में, तो आगे से बड़ी सावधानी बरतनी होगी। सर आप थे सदन में, एक दिन मैंने कहा था कि हम लोगों को दैहिक दूरी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, सामाजिक दूरी नहीं। सर हमारे मुल्क में वैसे ही सामाजिक दूरी बहुत है सर, इतनी है कि हम उसको भर नहीं पा रहे हैं। हम ये नहीं भूले कि सामाजिक दूरी के बाद एक जमात के ऊपर मुकदमा होने लगा और कई और जमातें जो नमस्ते में थी या सरकार टॉपल करने में थी उन जमातों का जिक्र साफसाने में नहीं हुआ, ये चिंता का विषय है सर। कोरोना संक्रमण मार्च के आखिरी हफ्ते के हालात हम सब वाकिफ हैं सर, लॉकडाउन हुआ। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा क्या ये व्यक्तिगत निर्णय था या सामूहिक निर्णय था, क्योंकि हमारे यहाँ कैबिनेट सिस्टम है। अगर ये सामूहिक निर्णय था तो तैयारियों के बारे में बताएं, आपने क्या तैयारियां की, क्योंकि वो जो अचानक का लॉकडाउन था सर, उच्च मध्यम वर्ग को तो अपनी अपनी अपने दायरे में लगा कि हम सब ठीक हैं, हमें अपनी चिंता होनी चाहिए। हम बाकी से भूल गए कि जिनकी चिंता होनी चाहिए थी वो हमारी चिंताओं से गायब हो गए। अभी मजदूरों का जिक्र हो रहा था जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य से आके काम करते हैं सर। मेरा मानना है, अभी बीते दिनों सदन में कहा गया कि कोई आंकड़ा नहीं है सर, सर ये मजदूर भाई आंकड़े नहीं है सर, ये किसी के पिता हैं, किसी की कोई माँ है, बेटा है सर। अगर आपके पास आंकड़े नहीं है इसका मतलब आपके अंदर दीदार करने की क्षमता नहीं है, नजर पैदा नहीं कर पा रहे हैं आप। 5 समृद्धि के टापुओं के निर्देश पे आपकी सरकार चल रही है और असमानता के महासागर में गोते लगाने वालों की कोई जिक्र नहीं है सर। मैं सदन की ओर से माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रपोज करता हूं कि हम सबको एक माफीनामा देना चाहिए देश के उन तमाम मजदूर भाइयों के लिए जिनके बारे में हमने चिंता नहीं की, जिनके बारे में फर्स्ट और सेकेंड लॉकडाउन में कोई बात नहीं हुई, थर्ड लॉकडाउन के बाद जब छवियां बिगड़ने लगी तो अचानक से हमने कहा कि ये क्या हो रहा है। ये माननीय उपसभापति महोदय, मैं अपने दल की ओर से निजीकरण और बाजारीकरण के खिलाफ हमेशा रहा। मैं आज कहता हूं कांग्रेस के साथी भी याद करेंगे, 90 से जो आपने उद्यम शुरू किया आज देखिए बाजार के मध्य हेल्थ और एजुकेशन को आपने रख दिया। आपके पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो काम किया जिस जज्बे के साथ उसको सलाम करिए और अपनी आर्थिक प्रस्थापनाओं पर पुनर्विचार करिए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। सिर्फ कोविड वॉरियर वर्कर्स को ही ट्रिब्यूट नहीं, सबको। हमें दुख होता है कि जब सरकार के आला लोग ये कहते हैं दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहाँ मौत कम हुई है सर, ये घोर असंवेदनशीलता है, ये घोर अमानवीय बयान है। उन घरों में जाइए पूछिए कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई लेकिन यार बाकी देशों की तुलना में हम ठीक है ना, ये बयानबाजी बंद होनी चाहिए सर। इकोनॉमिक इंपैक्ट में मैं सरकार से आग्रह करूंगा, हाथ खोलिए 7,000-8,000 रुपया नॉन इनकम टैक्स पेइंग फैमिली को। और सर आखिरी टिप्पणी करके खत्म करूंगा, ऑडिट और पारदर्शिता से दूर पीएम केयर्स फंड का कई बार जिक्र हुआ है। मेरा मानना है कि नाम और काम में थोड़ा तारतम्य होना चाहिए और हमारे बीजेपी के एक मित्र वरिष्ठ साथी कह रहे थे सहकारी संघवाद के का बहुत अद्भुत उदाहरण उन्होंने दिया महाराष्ट्र को कसरा गए। मैं भी बिहार के बारे में बहुत चीज कह सकता था लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है। 1 सितंबर से आरटीपीसीआर किट महाराष्ट्र को सस्पेंडेड है, पीपीई N95 मास्क वेंटिलेटर, तो आपके सहकारी संघवाद के आइडिया को प्रणाम। धन्यवाद झा जी, धन्यवाद सर। जय हिंद तो बोलने दीजिए सर, बस जय हिंद बोल के खत्म। प्लीज प्लीज सर, जय हिंद बोलने से पहले असल में केंद्र और राज्य की सरकारों ने लॉकडाउन को दवाई मान लिया सर, वैक्सीन मान लिया, ये घोर अवैज्ञानिक सोच थी। अब बोल रहा हूं सर, जय हिंद। धन्यवाद श्री स्वप्न दास गुप्ता जी।